हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विकास स्टडी पॉइंट। होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स और आपके प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो हम आपके लिए एक दिन पहले लाए एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो सके और आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। और उसके लिए जो सैम्पल पेपर आपका आया हुआ है इंग्लिश कोर का, जिसका कोड है 301, इसको हम जो है सॉल्व करके लाए हैं आप लोगों के लिए। प्लस एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को इसमें कोई आंसर मैं नहीं बता पाऊँ तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप ओपन करके इसके सारे आंसर एज रॉ आप निकाल सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर में आता है वो आता है आपका पैसेज। अब पैसेज आते हैं आपके दो टाइप के, इसमें आपको कैसे पता होना चाहिए। पहला पैसेज आता है आपका एग्जैक्ट थ्योरी, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला जो पैसेज है, फर्स्ट वाला पैसेज। ओके, तो फर्स्ट वाला पैसेज जो आता है वो आता है आपका बिल्कुल थ्योरी, जिसमें आपको रीड करना है देन आपको समझना है, ठीक है। और सेकंड पैसेज आता है आपका डाटा बेस्ड, तो डाटा बेस वाला हम बाद में करेंगे और फर्स्ट वाला हम पहले देखते हैं। तो इसको आप अगर ऊपर ऊपर से रीड कर पाए तो आप समझ पाएंगे। तो हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला है कंपेयर द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको जो है पैसेज में इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ये डी, एक्ट एज अ स्नेयर ऑफ ऑल एनिमल्स इन द ओशन। सेकेंड इज अ कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द घोस्ट नेट्स। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो ये घोस्ट नेट्स की इन द पैराग्राफ, जिसमें कुछ हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी रिलेटेड बात हुई है। तो वो आपको जो है पैसेज पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आएगा, तो आप आंसर इसका ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वे द अपोजिट ऑफ नेग्लिजिबल। ये क्वेश्चन आपको जो है पैसेज में से हमेशा आता है, जहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और उसका सिनोनिम पूछा जा सकता है, एंटोनिम पूछा जा सकता है, अपोजिट पूछा जा सकता है, सिमिलर पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसे यहाँ पर इस वर्ड का, नेग्लिजिबल का आपका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, जिसका अपोजिट वर्ड क्या है यहाँ पर, मोन्यूमेंटल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द राइटर वुड एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ पैराग्राफ थ्री एक्सेप्ट। तो इसका आंसर आपका, मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेरिन एनिमल्स अपॉन डिसइंट्रीशन। और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ नहीं बता पा रही हूँ, डोंट वरी, इनके आंसर जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा उसमें आप ओपन करके इसके सारे आंसर्स एज रॉ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। ये क्वेश्चन भी आपका 101% आता ही आता है कि पैसेज में से ऐसा कौन सा टाइटल आपको इनमें से सुटेबल लगता है, जो कि आपको लगता है कि इसका टाइटल होना चाहिए था। आपके लिए तो इजी हो गया कि आपको जो है ऑप्शंस दे दिए गए, आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। वरना उससे पहले क्या होता था कि आपको नहीं दिया जाता था, आपको अपने माइंड से सोचकर टाइटल सोचना पड़ता था। तो यहाँ पर इसका टाइटल जो है वो ये रखा गया है, घोस्ट नेट्स अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस। ह्यूमन डोमिनेंस यानी कि ह्यूमन जो है वो बड़ा है, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस। अगर ह्यूमन जो है वो सब कुछ करने लग जाए तो उसे क्या रिजल्ट होगा हमारे ओशियंस एंड अदर ऑल पे। नेक्स्ट जो आपका आता है पैसेज वो आता है आपका डाटाबेस, जैसा कि मैंने बोला इसमें आपको जो है वो डाटा दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन वन, रिसर्च क्वेश्चन टू, रिसर्च क्वेश्चन थ्री, ऐसा आपको जो है वो डाटा दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ इस प्रकार का आपको डाटा दे दिया जाएगा। ये डाटा अलग भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, और वो किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। सो इसमें है आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ वन। अगर पैराग्राफ वन में कई जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन से एग्री कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपको रीड करने है, देन आपको पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ पर है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ इंक्लूडिंग रिसर्च क्वेश्चन इन थ्री द 2014 स्टडी। तो ये पैराग्राफ की जो स्टडी है वो 2014 की आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा डी, सर्टेन लेसन आर कॉमन इन मोर देन वन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द की इवेंट डिजाइन विद बैलेंसिंग रोल्स। बैलेंसिंग रोल्स की यहाँ पर बात हुई है, तो उसको डिस्प्ले करने का की इवेंट डिजाइन क्या है, तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेंटोर प्लानर रिसर्चर एंड प्रेजेंटर। ये आपको सब इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा से 101% मिल जाएंगे। हाँ, कई बार ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है। अकॉर्डिंग टू मी आपको जो भी पेपर में सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लिटरेचर के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छे से आते हैं, जो आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट्स मिलते हैं,
जो स्टार्टिंग आपको 20 मिनट जो है वो रीड करने के लिए मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पूरा पेपर उस एक बार में देख लेना है कि आपके पैसेज कैसे आए हैं, आपको पैसेज थोड़ा थोड़ा रीड करके देखना है कि आपको पैसेज समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो नेक्स्ट पर चलिए। ग्रामर आपको देखनी है, क्या ग्रामर में जो राइटिंग स्किल्स है वो आपको समझ में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उनको जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। नहीं हो पाता आप नेक्स्ट पर चलिए। लिटरेचर के बारे में देखिए, लिटरेचर के बारे में देखिए आपको क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनमें से, और आपको जो भी उनमें से सबसे अच्छे से आता है आपको सबसे पहले वो ही करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है। द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द नेक्स्ट मेक्स अ क्लियर केस फॉर डैश बाय लिसनिंग इट एज अ केयर कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट लीडरशिप कोलैबोरेशन। सो इसका आंसर है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट अब आता है आपका राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में है आपका नोटिस, जिसका क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा, यू आर जोसली मैथ्यू, यानी कि आपको यहाँ पर नेम गिवन है, आपको गलती से भी अपना नेम लिखकर नहीं आना है। अब आपके पोस्ट में यहाँ पर गिवन है द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब, ठीक है। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइव ऑफ प्रमोटिंग रीयूज ऑफ री स्टडी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। सो आपका जो क्लब है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, प्रमोटिंग कर रहा है रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल, यानी कि जो आपका स्टडी मटेरियल और बुक्स है उसके रीयूज को प्रमोट कर रहा है। तो आपको नोटिस करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, और आपको ये बताना फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड भी है, क्योंकि नोटिस है तो नोटिस बोर्ड पर लगेगा स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है। एड्रेसिंग स्टूडेंट फॉर क्लास 10th at 12th, इन्फॉर्मिंग दैट अबाउट द ड्राइव एंड आर्गिंग देम टू कंट्रीब्यूट टू द एंडेवियर, मेंशन हाउ टू द डोनेट बुक्स वुड बेनिफिट अ चैरिटेबल कॉज। ओके आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपको नेम गिवन है, ओके आपको आपकी डेजिग्नेशन गिवन है, आपको अथॉरिटी गिवन, आप स्कूल अथॉरिटी की तरफ से लिख रहे हैं, आपको लिखना क्या है नोटिस लिखना है। तो वो काफी सारी चीजें इसमें पता लग गई हैं। बेसिकली जो ग्रामर के टॉपिक्स है आपके, वो हम इससे जस्ट आने वाली बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। डोंट वरी, वो एग्जाम से पहले ही आएगी, उसमें आपके सारे ग्रामर के टॉपिक्स हम कवर कर देंगे, फिर फॉर्मेट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट आता है लेटर टू एडिटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके चैप्टर, आपके एग्जाम का। लेटर टू एडिटर या फिर लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, ये दोनों में से जरूर ही आते हैं। तो आप इन दोनों को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपके मार्क्स जो है वो कहीं भी नहीं जाने चाहिए। ये भी हम आपको विद फॉर्मेट जो है वो अच्छे से बताने वाले हैं। आर्टिकल, आर्टिकल जो है वो बेसिकली आपका हमेशा को मतलब कि पॉसिबिलिटी होती है हमेशा कि जो आपका आर्टिकल है ना वो सोशल इश्यूज पे ज्यादा आएगा, जैसे कि से नो टू ड्रग्स या फिर सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव टू बी क्वाइट हैजार्डस एंड हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल वर्क इंजरीज, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अदर कॉज स्टेक होल्डर इन द सेक्टर ट्रेंड टू इग्नोर सेफ्टी रेगुलेशन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को जो है वो यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। सो एज अ कॉलमनिस्ट, यानी कॉलमनिस्ट जो पेपर में कॉलम लिखते हैं उन्हें कॉलमनिस्ट बोलते हैं। फॉर एन ई साइन ड्राफ्ट एन आर्टिकल अबाउट 120 to 150 words ऑन थीम। थीम आपको गिवन है इम्पोर्टेंस, थीम का मतलब आपको टाइटल गिवन है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट टाइटल उठाकर यहीं से लिख देना है। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन जोन्स, एक्सप्लोर पॉसिबल रीजन फॉर द प्रीवेलिंग सिचुएशन एंड इंक्लूड सजेशन फॉर एड्रेसिंग सपोर्ट योर आइडियाज विद क्लू गिवन बिलो। क्लू भी आपको नीचे गिवन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। सो ये प्रॉपर आर्टिकल जो है वो हम आपको अभी समझाने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट और आर्टिकल काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, इसमें दोनों में ही टाइटल यूज होता है और दोनों ही थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो रिपोर्ट भी काफी ज्यादा सिमिलर होता है, रिपोर्ट भी आपको सेम ही वर्ड्स में लिखनी होती है, 21, 22, 150 वर्ड। इसके लिए भी आपको जो है वो गिवन हिंट्स यहाँ पर हैं। सो द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव टू बी क्वाइट हैजार्डस, इसमें भी आपको लगभग लगभग सेम टॉपिक ही दिया गया है। आगे चलते हैं लिटरेचर के लिए। लिटरेचर में आपको गिवन है पोयम, ये पोयम का है आपका पैरा। इस पोएम के पैरा को समझकर आपको जो है वो आंसर देना। फर्स्ट जो है पोएम के पैरा को पढ़ती आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी पोएम का पैरा है, क्योंकि अगर आपको वही पता नहीं चलेगा तो आपको आंसर देने में दिक्कत होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पैरा आपको यहाँ पर गिवन है उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाए,
क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप ये चीजें पढ़ चुकी हो, तो आपको पूरी पोयम जो है वो याद होनी चाहिए. तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द अबव लाइंस. तो कैसी टोन है इसमें पोएट की, ओनली थर्ड इसका आंसर है, मींस सरकास्टिक टोन. सरकास्टिक टोन में जो है वो यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द फ्रेज, फ्रेज आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग. नो वन बॉदर्स टू टेक देयर कंसेंट बिफोर पनिशिंग, सॉरी पुशिंग द प्रॉमिस फॉर बेटर लाइफ देयर वे इनफोर्सिंग बेनिफिट्स. वॉट क्वालिटी ऑफ विलेजर्स कैन बी इन्फर थ्रू दीज लाइन्स, गलीबल. कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज एग्जाम्पल. इसका आंसर भी आपको गिवन है. आगे चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस वन एंड टू गिवन बिलो. द सिटी ड्वेलर्स मेक प्रॉमिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स. द सिटी ड्वेलर्स हैव अल्टीरियर मूवीज. सो इसमें आपको जो सेकेंड है, आपको रीजन और कॉज रीजन जो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो दूसरे वाले का रीजन है. जैसे इसका आंसर है सी, मीन्स टू इज द रीजन फॉर वन. तो जो वन है उसका रीजन ही टू है. ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं. सो ये आपको ध्यान से करने हैं, मतलब समझने के बाद. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे आपको पता ही चल गया थिंग ऑफ ब्यूटी का ही पैरा आया है. यहाँ पर आपको गिवन भी है, जरूरी नहीं है बट ऐसा आपको एग्जाम में भी गिवन हो. चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द सेम पोएटिक डिवाइस. अ पोएटिक डिवाइस आपसे ये पूछा गया है एज यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट. फर्स्ट लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, यहाँ पर आपका पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुआ है. वॉट डज द फ्रेज अ बोअर क्वाइट इंडिकेट, सेरेनिटी. द वर्ल्ड बेनिफिट्स ऑफ अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी फॉर ह्यूमंस इंक्लूड, इसका आंसर है फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ. फर्स्ट मीन्स हेल्थ बॉडी, सेकेंड मीन्स काम माइंड, और फिफ्थ मीन्स होप टू कैरी ऑन. नेक्स्ट अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स भी चलते हैं. ऐसे ही आपको एक और ऑन द फेस ऑफ इट से आपको पैरा दे दिया गया है, और इसमें भी आपको जब वो सेम क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे. मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है उन्होंने आपको पैरा दे दिया तो वो आपको उसी में से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे. वो आपसे डिफरेंट भी पूछ सकते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस में ही चैप्टर पढ़े हुए हैं. ऑन द जर्नी ऑफ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से भी आपको पैरा गिवन है. फिर ऐसे ही आपको कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट. ऐसे ही आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे. अटेम्प्ट एनी टू ऑफ एक्सट्रैक्ट, ये मैं आपको बताना चाहती थी कि जो अगर आपको ऐसा आता है ना, अटेम्प्ट एनी वन, अटेम्प्ट एनी टू, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है. कोई भी जो मुझे बच्चे सुन रहे हैं इस वक्त, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये गलती मत करना कि अगर आपको लगता है कि मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सारे ही करके आ जाऊँ, या मैं सब में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख कर आ जाऊँ जितना जितना मुझे आता है. सारे अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं. अगर आप सारे अटैम्प्ट करते हो तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. मान लीजिए आपको फोर ऑप्शन थे जिसमें से आपको थ्री ऑप्शन की को करने थे, आपको चॉइस थी कि आप थ्री ऑप्शन कर सकते हैं, बट आपने चारों के चारों क्वेश्चन कर दिए. अब जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल वो स्टार्टिंग के तीन चेक करेंगे. अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आता था, आपको सेकंड क्वेश्चन ठीक से नहीं आता था, तो यहाँ आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे. अगर आप सेकंड को छोड़कर थर्ड करोगे तो आपको गेनिंग होगा, बट अगर आप सारे के सारे करोगे तो वो स्टार्टिंग के चेक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने आपको बोले जाए उतने ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा या उससे कम अटेम्प्ट नहीं करने हैं. जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है. सो ये क्वेश्चन देखते हैं. बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर. इसका आंसर है सी, ही डिड नॉट जेल वेल विद अदर इन द डिपार्टमेंट. आगे देखिए, नेक्स्ट अब सीधे लिटरेचर पे ही चलते हैं हम लोग. लिटरेचर में आपके कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए.
यहाँ पर जितनों पर मैंने टिक लगाए हैं उनमें से जो चैप्टर हैं वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तो। अगर उन्होंने सैम्पल पेपर में आपके चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए मीन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। सो द लास्ट लेसन से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ द थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट, यानी कि जब कोई चीज़ आपसे चली जाती है तब आपको उसकी ट्रू वैल्यू पता चलती है। कमेंट ऑन हिज स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी, यानी आप जो है वो क्या कमेंट मतलब कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं इस पे, स्टोरी को लाइट मतलब बोलते हैं ना कि इस पर रोशनी कीजिए, वही है सब कुछ नहीं है। तो आपको जो भी स्टेटमेंट से समझ में आता है आपने पोयम में पढ़ा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेट द कॉमन इश्यू फेस बाय द मोस्ट ऑफ एज इन करंट टाइम्स विद रेफरेंस टू द पोयम माई मदर 66, यानी कि जो एज है आज के टाइम में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है करंट टाइम में, वो आपसे पूछी गई, तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर से हमें क्या पता चलता है, हम क्या जानते हैं। एनिस जंग जो उसकी ऑथर है, थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहेब एंड मुकेश, तो जो उनका इंटरेक्शन था विद साहेब एंड मुकेश उनके अकॉर्डिंग आप उनके बारे में क्या जान पाए, तो वो आपको लिखना है। गिवन टू रीजंस व्हाई अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुडा इज कीपिंग क्वाइट एसेंशियल टू अटेनिंग अ बेटर मोर पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि बेटर अटेनिंग यानी कि मोर पीसफुल वर्ल्ड को अटेन यानी कि पाने के लिए कीपिंग क्वाइट चुप रहना क्यों जरूरी है। पाब्लो नेरुडा ने जो अपनी पोयम में इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज रखे वो आपको यहाँ पर बताने कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला है कि सभी जो है वो चुप हो जाओ, सभी अगर शांत हो जाएंगे तो हमें एक पीसफुल वर्ल्ड अटेन होगा। If the Christmas spirit is all about selflessness, forgiveness, and become better version of ourselves, among other things, Edla Williamson is the epitome of the spirit, justified with two points of evidence from the Red Trap. यानी कि जो क्रिसमस है वो forgiveness यानी कि माफ करने का, selflessness यानी कि स्वार्थ को छोड़ देने का, और becoming better यानी कि अच्छे बनने का वर्जन है। तो आपको यहाँ पर एडला के पॉइंट ऑफ व्यू से टू पॉइंट्स लिखने हैं जिस जो आपको इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हो कि हाँ जो क्रिसमस है वो इन सब चीज़ों का प्रतीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो एडला ने जो उसको माफ़ कर दिया था बाद में वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उसने उसको ज़बरदस्ती अपने घर में बुलाया ये पता लगने के बाद भी कि वो जो है वो पर्सन नहीं है जिसको वो समझ रहे थे, वो वहाँ का मालिक नहीं है, वो कोई और है, बट बावजूद इसके उन्होंने बोला कि ठीक है आज क्रिसमस है तो आप जो है एज अ गेस्ट हमारे घर पर रहिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 से 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। इट्स इजी टू जज अदर एंड गिव एडवाइस, यानी दूसरों को जज करना और एडवाइस देना बहुत इजी होता है, बट मच मोर डिफिकल्ट टू अप्लाई इट ऑन सेल्फ, यानी कि उसे अपने ही ऊपर अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इलेबोरेट विद रेफरेंस टू कैरेक्टर ऑफ सैम इन द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल में जो सैम था उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। कमेंट ऑन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर काल्की इन द टाइगर किंग, टाइगर किंग में जो काल्की था उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कमेंट करना है आपको कोई एक एस्पेक्ट पे जो कि राइटिंग स्टाइल ऑफ ऑथर। हाउ डू वी नो दैट, अच्छा ये तो नहीं आ रहा आपको, आगे चलते हैं। हाँ तो ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, द प्रॉस सिलेक्शन डीप वाटर इंडिगो ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग फियर इन ऑर्डर टू बी एबल टू लीड आवरसेल्फ सक्सेसफुली, मीन्स कि आपको ना यहाँ पर वो दो इम्पॉर्टेंट मतलब दो लॉन्ग क्वेश्चंस दे देंगे जिसका आंसर जो आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा। और ये ना आपको बेसिकली आएगा इंडिगो में से जितना मुझे पता है, और एक आएगा आपको डीप वाटर में से। अगर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो इंडिगो में से तो आएगा कि कैसे गांधी जी ने लोगों का लीडरशिप किया था, उनको सेटलमेंट करवाने में हेल्प की थी, और कैसे लोगों की मदद की थी, गांव वालों की मदद की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाके, वो आ सकता है लॉन्ग आंसर में। एक आ सकता है आपका डीप वाटर में से, कैसे उस बच्चे ने इतना सब होने के बाद भी अपने डर के ऊपर ओवरकम किया, क्या क्या उसके साथ इंसिडेंट हुए जिसके बाद वो जो है वो निराश हो गया था बट उसके बावजूद भी उसने ओवरकम किया। तो ये दोनों चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 120 to 150 वर्ड्स लिखने हैं। सो जो भी आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपको उसके बारे में इलाबोरेट करके अच्छे से लिख कर आना है। यस, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर है जिसमें आपको चॉइस है दो में से, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ है चॉइस में से, और एक 5 नंबर का आपका यहाँ है। सो ये आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करने हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनका सेम ही फॉर्मेट रहेगा। एक आपका मे भी मैं जितना बता सकती हूँ पोएम में से आएगा, और एक बाकी दो जो है आपके लिटरेचर में से आएंगे, दोनों बुक में से। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिगो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है लॉन्ग आंसर के लिए, और डीप वाटर भी काफ़ी लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी के साथ सैम्पल पेपर आपका खत्म हो गया। डोंट वरी, अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल पाया तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो एक चीज़ मुझे बतानी थी कि विकास स्टडी पॉइंट की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं, या फिर आप ईमेल करके भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। और होप आप सभी का पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम विकास स्टडी पॉइंट एंड ऑल द टीम। थैंक यू सो मच।